સમાચારોની શરૂઆત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. ગુજરાતમાં ચોમાસાને લઈને ચિંતાજનક સમાચાર આવી રહ્યા છે. આઈએમડીના વૈજ્ઞાનિક સોમા સેનનું નિવેદન સામે આવી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં ચોમાસું આગળ વધવાના સંકેત નથી તેવું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. હાલમાં ચોમાસું ઉત્તર પૂર્વ ભારત તરફ મજબૂત બન્યું. દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, ત્યારે જે પ્રમાણે ચોમાસાને લઈને હવામાન વિભાગ દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે, ગુજરાતમાં ચોમાસાને લઈને ચિંતાજનક સમાચાર. इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सोमा सेन है. लेकिन मानसून की अगर बात करें तो हम लोग लगातार जितने दिन से रिपोर्टिंग करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं गुजरात के पास लगभग मानसून अटका हुआ है. 10 से लेकर 19 तारीख हो गई, यानी आज 20 भी हो गई, लेकिन उससे आगे बढ़ नहीं रहा है. इसका रीजन क्या है? जो मानसून एडवांस का स्थिति दिख रहा है आपका, पहले जैसे लोग पूछ रहे थे ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है, वेस्ट में नहीं है, उसी तरह से अभी ईस्ट में हम मानसून एडवांस करेंगे. वेस्टर्न इंडिया में सिग्नेचर क्लियर मिलेगा कि आपका गुजरात में और एडवांस करके मध्य प्रदेश में भी, वेस्ट मध्य प्रदेश में भी एडवांस करेंगे. जब भी हमें सिग्नल मिलेगा हम जरूर आपको इत्तला करेंगे. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लाउड देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है? थोड़ा साधारण भाषा में हमारा थोड़ा सा प्रेशर ग्रेडियंट बनी हुई है नॉर्दर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में, इसी कारण से हमारा थोड़ा भारी वर्षा का भी पॉसिबिलिटी आज दिए है आपका साउथ गुजरात में. गुजरात के लिए जैसे मैंने बताया आपको, सिर्फ इसी एरिया में आपका थोड़ा बहुत भारी वर्षा का, पर ये भी थंडरस्टॉर्म से एसोसिएटेड होगा. इसका कोई लार्ज स्केल फ्लो से नहीं हो रहा है, तो हम इसीलिए मानसून का इसको बारिश नहीं बोलेंगे, प्री मानसून शावर्स है. दलसा अभी हमारा नवसारी तक हमारा मानसून एडवांस हो चुकी है, उसके नॉर्थ में जैसे हमें स्थिति दिखेगी हम एडवांस करेंगे. ये कब तक चलेगा जो थंडर स्टॉर्म है या प्री मानसून बारिश? इसका रोज के हमारे चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मानसून फ्लो के एसोसिएटेड नहीं है, तो आपका इसका पूर्वानुमान का भी लिमिट रहती है. शुक्रिया आपको. तो आपने सुना डॉक्टर सोमा सेन को, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आज साउथ गुजरात में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन ये प्री मानसून बारिश है, कोई प्रॉपर मानसून की बारिश नहीं है. और अभी इस तरह के कोई सिग्नल या संकेत भी नहीं मिल रहे हैं कि मानसून जो है आगे बढ़ेगा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि जो ही मानसून आगे बढ़ेगा इसकी जानकारी प्रॉपर वे में मौसम विभाग देश को देगा. दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज़.